रेलवे के इतिहास में जुड़ा एक और स्वर्णिम पल, प्रधानमंत्री ने एक साथ 2000 स्थानों पर 554 नामित रेलवे स्टेशनों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। 1500 से ज्यादा आरओबी और यूबी का शिलान्यास और लोकार्पण किया गया। इसी अमृत योजना के तहत आगरा के ईदगाह रेलवे स्टेशन का चयन हुआ। प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम के दौरान आगरा में केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल के साथ मेयर आगरा हेमलता दिवाकर, महिला आयोग को सदस्य निर्मला दीक्षित भी मौजूद रहीं। आज गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड का रिकॉर्ड टूट गया। राजा मंडी स्टेशन, बिलोचपुरा स्टेशन, आगरा कैंट और आगरा फोर्ट भी योजना में शामिल रहे। कहना चाहता हूँ कि आगरा मंडल में हमारा 15 स्टेशन पर अमृत स्टेशन का कार्यक्रम हो रहा, अमृत स्टेशन के तहत उनका पुनर्विकास किया जा रहा है। तो उसमें से हम लोगों ने 3 स्टेशन का शिलान्यास विगत अगस्त में किया था, 7 स्टेशन का शिलान्यास आज किया है। उसमें आप जहाँ ईदगाह खड़े हैं ये भी एक स्टेशन है। इसके अलावा आगरा मंडल में करीब 35 में से 25 स्टेशनों का हम लोगों ने डेडिकेशन टू द नेशन किया है और 10 स्टेशनों का शिलान्यास, 10 आरओबी आरयूबी का शिलान्यास किया है। एक साथ 2000 जगहों से ऊपर 554 अमृत स्टेशन और लगभग 1500 आरओबी और आरयूबी के शिलान्यास या लोकार्पण का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया है। और हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि आगरा डिवीज़न में 35 आरओबी और आरयूबी बनने का काम हुआ है और इसके अलावा हमारे यहाँ 7 स्टेशनों को अमृत योजना के तहत उनका सौंदर्यीकरण होगा। इसके अलावा ईदगाह स्टेशन पर 12.6 करोड़ रुपए की लागत से ये तमाम चीज़ें हैं, 10-12 पॉइंटों पर कार्यक्रम हो रहा है। इसी योजना में आगरा कैंट पे काम हो रहा है, आगरा फोर्ट पे होगा, कुबेरपुर पे, राजा की मंडी में भी 12 करोड़ के आसपास होगा, बिल्लोचपुर में भी होगा और वहाँ पर कुछ ट्रेन रुकने का आ गया। मुझे आगरा लोकसभा में मेरी 2 डिवीज़न है, एक आगरा डिवीज़न एक प्रयागराज डिवीज़न, तो प्रयागराज डिवीज़न में आज ही आगरा ही लोकसभा की अहमदपुर विधानसभा में बरहन स्टेशन, मतौली स्टेशन और चमरौला रेलवे स्टेशन पर आरओबी का उद्घाटन हो रहा है।